पता है, चील पक्षी हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं जहां तेज हवाएं चलती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका घोंसला पथरीली चट्टानों पर टिका रहे, वे कांटेदार टहनियों का उपयोग करते हैं। जब घोंसला तैयार हो जाता है तो वे इसे नर्म सामग्री से ढक देते हैं और अंत में अंडे देते हैं। जब अंडों से चूजे बाहर आते हैं तब मादा चील अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करते हुए दूर दूर तक उड़ती है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मादा चील नर्म गद्दी को हटाना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप वही घोंसला चूजों को अब चुभने लगता है और वे घोंसले से बाहर निकलकर चट्टान पर चले जाते हैं, किंतु उन्हें अभी भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जब मादा चील को एहसास होता है कि उसके बच्चे अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है, तो वे बच्चों को एक एक करके चट्टान के किनारे ले आती है और उन्हें वहां से धक्का दे देती है। मादा चील का यह व्यवहार हमें चकित कर सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छोटे बच्चों को जिस खाई का सामना करना पड़ता है, वह उन्हें अपने पंख फैलाने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद वे पक्षियों के राजा की तरह शान से आकाश में उड़ते हैं। जिस तरह से मादा चील की यह चेष्टा क्रूर प्रतीत होते हुए भी वास्तविकता में करुणा और दयालुता से भरी है, इसी प्रकार भगवान हमारे परोपकारी पिता है जो हमसे अपार प्रेम करते हैं, और इसलिए वह हमें विपत्तियों से नहीं बचाते। जीवन में हम जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, सहते हैं, वे हमें उतना अधिक आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करती हैं। वे हमें अपनी कमजोरियों और कमियों को दूर करने के लिए विवश करती हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने सभी संसाधनों को सक्रिय करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। तो सोचिए सोचिए और अनुसरण कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे हम एक अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।